तिरुपति मंदिर, क्या आपको पता है ये मंदिर में जो जाता है उस इंसान का सारे मनस्कामना पूर्ण होते हैं। और इस मंदिर को किसी ने बनाया नहीं है, यहाँ पे भगवान खुद प्रकट हुए थे। क्या आपको पता है तिरुपति में जो जाते हैं वो मुंडन क्यों करते हैं? आइए जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको तिरुपति मंदिर के हर रहस्यमय बातें बताऊंगी। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला में तिरुमाला पर्वत पर स्थित है। यह भारत की नहीं पूरा विश्व के मुख्य तीर्थ स्थानों से एक है। तिरुपति बालाजी मंदिर को भूलोक का वैकुंठ कहा जाता है, पृथ्वी पर विष्णु का निवास। इस प्रकार यहाँ माना जाता है कि भगवान विष्णु ने इस कलयुग के दौरान इस मंदिर में खुद प्रकट हुए थे, ताकि वहाँ अपने भक्त को मोक्ष की ओर निर्देशित कर सके। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु है। माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनके सभी मुरादें पूरे हो जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि लोग यहाँ बाल दान करके अपनी बुराइयाँ और पापों को यहीं छोड़ जाते हैं। बाल दान करने से भक्तों के ऊपर बालाजी की कृपा बनी रहती है और उनकी मनोकामना पूरी होती है। माना जाता है कि भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित है। इसी कारण स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनने की यहाँ परंपरा है। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर से 20 किलोमीटर दूर पर एक ऐसा गांव है जहां गांव वालों के सिवा कोई बाहर व्यक्ति पर प्रवेश नहीं कर सकता। मंदिर में अर्पित होने वाले पदार्थ जैसे कि पुष्प, फल, दही, घी, दूध आदि इसी गांव से आते हैं। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर के केश असली है, जो कभी उलझते नहीं और हमेशा मुलायम रहती है। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा सदैव नम रहती है। मंदिर में बालाजी का बहुत आकर्षक प्रतिमा है। ये इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान स्वयं ही विराजमान है। ऐसा देखा गया है कि बालाजी की प्रतिमा को पसीना आता है, प्रतिमा पर पसीने की बूंदें देखी जाती है, इसीलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। भगवान वेंकटेश्वर पर पचाई कपूर लगाया जाता है। इस कपूर के बारे में कहा जाता है कि ये किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरार पड़ जाती है, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर इस पचाई कपूर का इस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता। प्रत्येक गुरुवार बालाजी को चंदन का लेप लगाने के पश्चात अद्भुत रहस्य सामने आता है।
भगवान बालाजी का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और ये लेप हटाया जाता है तो बालाजी के हृदय में माँ लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया सदैव जलते रहते हैं। आश्चर्यजनक ये है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि ये भी नहीं ज्ञात है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। मंदिर की दाहिनी ओर एक छड़ी रखी हुई रहती है। ये वो छड़ी है जिसे कभी बचपन में बालाजी की पिटाई की गई थी। पिटाई लगाने से इस छड़ी से भगवान की थूड़ी में चोट लग गई थी। इस चोट पर चंदन का लेप लगाया गया था, इसी कारण उनकी थूड़ी में चंदन का लेप आज भी लगाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमाला में निवास करते हैं। आपके मन में प्रश्न आता होगा कि ये पद्मावती कौन है, ये स्टोरी भी मैं आपको आज बताऊंगी। प्राचीन कथा के अनुसार जब महर्षि भृगु वैकुंठ पधारते ही योग निद्रा में लेटे भगवान विष्णु के छाती पर लात मारी, भगवान ही दंड दिए वजह भृगु के चरण पकड़ के पूछने लगे, चोट तो नहीं लगी? इसी बात से नाराजगी में माँ लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर चली गई और पृथ्वी लोक पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया है। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को ढूंढना शुरू किया और अपना रूप बदलते हुए पहुंच गए पद्मावती के पास। भगवान ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा, इतना धन कहाँ से आई? तब विष्णु जी ने समस्या का समाधान निकालने के लिए भगवान शिव और ब्रह्मा जी को साक्षी मानकर कुबेर से काफ़ी धन कर्ज लिया। इसी कर्ज से भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर रूप और देवी लक्ष्मी के अंश पद्मावती का विवाह संपन्न हुआ, जो कि एक अद्भुतपूर्व विवाह था। शादी के बाद भगवान तिरुमाला की पहाड़ियां पर रहने लगे। कुबेर से कर्ज लेते समय भगवान ने वचन दिया था कि कलयुग के अंत तक वहां अपना सारा कर्ज चुका देंगे। भगवान के कर्ज में डूबे होने के इस मान्यता के कारण बड़ी मात्रा के भक्त धन दौलत दान करते हैं ताकि भगवान कर्ज से मुक्त हो जाए। ये थी तिरुपति बालाजी मंदिर की कुछ रहस्यमय तथ्य जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताई। आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ये वीडियो को एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने की ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में गोविंदा गोविंदा।